नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर बिजनौर से है, जहां आज भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसान धरने पर बैठ गए हैं। किसान लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि कलेक्ट्रेट में 72 घंटे के लिए किसान धरने पर बैठे हैं। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर लखीमपुर खीरी में हुई घटना मामले में किसानों का धरना चल रहा है। किसानों की मांग है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए। देखिए, मांग तो है लखीमपुर खीरी में, लेकिन हम राष्ट्रीय प्रवक्ता या संयुक्त किसान मोर्चे का जो लखीमपुर खीरी में प्रोग्राम चल रहा 3 दिन का, वहाँ जो हमारे कुछ किसानों के ऊपर जो गाड़ी वाड़ी चढ़ा दी गई थी, उसमें जो कुछ हमारी मांगे थी उस समय, वो अभी तक पूरी नहीं हुई। इसलिए लखीमपुर खीरी में जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें प्रशासन से जो वार्ता चल रही है, शासन से वार्ता चल रही है, वो वार्ता फेल होने के कारण 75 घंटे का जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चे का या राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके आदेश के अनुसार हम 75 घंटे तक यहाँ बैठेंगे। मांगे तो वहाँ पूरी होंगी, लेकिन हम उनके आदेश पर बैठेंगे। अगली खबर आगरा से है, जहाँ जेल राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति आगरा पहुंचे। राज्य मंत्री ने केंद्रीय कारागार पहुंचकर बंदियों की मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने चर्म उत्पादकों के लिए स्थापित उद्योग का उद्घाटन भी किया। साथ ही मंत्री ने जेल में कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम की जानकारी भी ली। विकास के माध्यम से और एमएसएमई के माध्यम से हमारा लक्ष्य है कि हमारे नौजवान कैदी कुछ काम सीखे और काम सीखने के बाद में वो काम करें जो उन्होंने अपना परिवार पीछे छोड़ा है, जेल में से कुछ कमाएं और उस परिवार को दें, और जेल से छूटने के बाद वो बेरोजगार न रहें, वहाँ जाकर के जो सीखा है उसे स्वरोजगार करें और अपने आगे का जीवन यापन करें। इसके लिए लक्ष्य ये है हमारा कि कैदी जब बेरोजगार नहीं रहेंगे तो अपराध नहीं करेंगे। खबर मथुरा से है, मथुरा में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के साथ सभी मंदिरों को शानदार तरीके से सजाया गया है। श्री कृष्ण जन्म उत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। वो मथुरा में आज करीब 3.5 घंटे तक रहे। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। खबर हरदोई से है, हरदोई की शहर कोतवाली पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस स्वाट टीम की मदद से अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 4 सदस्य शामिल थे। उन चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से चोरी का एक ट्रक, 1,27,000 नगद और कई वाहनों के पुर्जे बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है। जनपद के कोतवाली शहर थाने में दिनांक 6 अगस्त को एक ट्रक चोरी गया था, जिसके संबंध में मालिकान को देर से पता लगा और उन्हें 11 तारीख को मुकदमा कायम कराया था। इस संबंध में मेरे द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी और कोतवाल शहर, साथ ही साथ एसओजी को लगाया गया था, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रकरण था। इनके द्वारा मुखबिर लगाए गए और भी सर्वेलेंस किया गया, तो ज्ञात हुआ कि इसमें कुछ लोग इस चोरी से संबंधित शहर में आने वाले हैं। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करके 4 अभियुक्तों को पकड़ा गया। इनके नाम है अनीस, जो कि इसी जनपद का है, शाहबाद का है, कामिल जो कि शाहजहानपुर का है, शादाब हाथरस का है, व मुनीम आगरा का है। हरदोई के शाहबाद कोतवाली इलाके में एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में घायल पाया गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल युवक के परिजनों ने उसकी गर्भवती प्रेमिका पर गला काटने का आरोप लगाया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं एसएसपी का कहना है कि युवती की तहरीर पर पहले रेप का एफआईआर दर्ज हो चुका है। एसएसपी ने बताया कि यह भी संज्ञान में आया है कि युवक ने खुद पर चाकू से हमला किया है। फिलहाल इसकी पुलिस जांच कर रही है। ये कस्बा शाहबाद का है और उस युवक का
कस्बा शाहबाद में ही एक लड़की से प्रेम संबंध काफ़ी दिनों से चल रहा था, जिसमें लड़की प्रेग्नेंट हुई है और इसमें संभवतः इन दोनों के बीच में शादी की बात चल रही थी कुछ दिन पहले, किंतु इन लोगों ने मना कर दिया लड़के वालों ने। और इस पर लड़की पक्ष ने, लड़की की मां ने एक तहरीर भी दिया है जिस पे 376 का अभियोग आज पंजीकृत किया गया है। और इसमें जो बता रहे हैं कि आरोप ये लगाया जा रहा है कि उसको चाकू लगा है, इस परिस्थिति की भी जांच की जा रही है, लेकिन आसपास पूछताछ पे जानकारी में आया है कि संभवतः वो घर के अंदर खुद ही उसने चाकू मारा है। अगली खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर के SSP डॉक्टर बिपिन ताड़ा ने थाना मंडी के मेस में भोजन की गुणवत्ता की जांच की और पुलिस कर्मियों के साथ खाना भी खाया। वहीं हर रोज स्वादिष्ट भोजन बनाने वाली महिला तंजीम जेहरा को SSP डॉक्टर बिपिन ताड़ा ने 1,000 रुपये देकर सम्मानित किया। खबर मथुरा से है, जहां मीरा नाम की एक महिला ने भगवान कृष्ण को ही अपना पति मान लिया है और उनका कहना है कि मैं भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए मैंने 2021 में द्वारकाधीश मंदिर में भगवान कृष्ण से शादी कर ली और मैंने अपना घर बार भी छोड़ दिया है। वो भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं और उनके प्रेम में लीन रहती हैं। मैं अमला की रहने वाली हूँ और 2 साल से वृंदावन में ही रह रही हूँ। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहाँ भारत मृत्यु महोत्सव कार्यक्रम के तहत 15 अगस्त को ITBP ने दिलेर RP का आयोजन किया था, जिसमें ITBP के जवान बड़े स्तर पर हिमाचल प्रदेश के मोरंग से जवानों ने पैदल पेट्रोलियम यात्रा शुरू की थी। 5 दिन का ये सफर और पेट्रोलियम काफ़ी मुश्किल और कई प्रकार के कठिनाइयों से होकर इस पैदल पेट्रोलियम को सुरक्षित आज हरसिल ITBP कैंप में सभी जवानों का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। अगली खबर अलीगढ़ से है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुश्ती का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि मनोज कुमार यादव प्रधान ने कुश्ती का शुभारंभ किया। आज के कुश्ती के कार्यक्रम में AMU में कई जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जहां कई राउंड में हुई इस कुश्ती प्रतियोगिता में गाजियाबाद के खिलाड़ी ने परचम लहराया। सभी खिलाड़ियों ने कुश्ती के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वहीं इस कुश्ती कार्यक्रम में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिला। अगली खबर बस्ती से है, जहां मेडिकल कॉलेज के कैली हॉस्पिटल में कोरोना काल में 156 वेंटिलेटर सरकार ने भेजे थे, जहां सभी वेंटिलेटर संचालित थे, कई लोगों की जान बचाई गई थी। वहीं कोविड के बाद वेंटिलेटर की आवश्यकता खत्म हो गई, जिसके बाद 131 वेंटिलेटर को कमरे में रख दिया गया जो अब धूल फांक रही है। मेडिकल कॉलेज में इस समय 25 वेंटिलेटर संचालित हैं, जिसकी जिम्मेदारी 4 टेक्नीशियन पर है। टेक्नीशियन की कमी की वजह से 25 वेंटिलेटर चलना मुश्किल हो रहा है। दरअसल कोविड काल में 4 टेक्नीशियन को बाहर से रखा गया था, जिनको अब हटा दिया गया है, जिसके बाद 125 वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। वेंटिलेटर जितने हैं, जब उनकी जरूरत होती है तब वो यूज में लाए जाएंगे। जब कोरोना पीरियड था तो सारे वेंटिलेटर वार्ड्स में इंस्टॉल थे, अब 25 वेंटिलेटर ICU में और PICU में इंस्टॉल हैं, फंक्शनल हैं, मरीजों पे लगाए जा रहे हैं जहाँ जैसी ज़रूरत होती है। ऑपरेटर हमारे पास प्रेजेंटली 4 हैं, कोरोना पीरियड में 4 और आए थे, वो केवल 3 या 4 महीने के लिए आए थे, उनको जब वो शासनादेश का पीरियड फिक्स था ख़त्म हो गया, उसके बाद वो आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है, शासन से लिखा गया है, हमारे आउटसोर्सिंग वाली एजेंसी नामित हो गई है, जैसे ही वहाँ शासन से अप्रूवल आ जाएगा मैं फौरन उसको। कितने ऑपरेटर होना चाहिए इसे? अब ऑपरेटर तो एक्चुअली क्या है कि देखिए, ICU जितना चलता है पूरा हॉस्पिटल ICU का तो हो नहीं सकता, तो कम से कम 4 तो और होने ही चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।